मॉडर्न साइंस के हिसाब से या फिर ये कहें कि अंग्रेजी डॉक्टर्स के हिसाब से डायबिटीज़ का कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं है। जब आप डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन टैबलेट के रूप में खाते हैं या फिर अपनी डायबिटीज़ के लिए आप इंसुलिन वगैरह लेते हैं, इन सब के बावजूद भी आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाती है। 160 या फिर 180, 200, 250 यूनिट, 300 यूनिट या कभी कभी तो 400, 500 यूनिट शुगर लेवल हो जाती है इतनी सब दवाई वगैरह खाने के बाद भी। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में डायबिटीज़ का इलाज संभव है। आप आयुर्वेद की हेल्प से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो अहम भूमिका होगी वो होगी आपके खान पान की, आपकी डाइट की। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे फूड्स के बारे में, या फिर ये कहें कि 7-8 ऐसे फूड्स के बारे में या 7-8 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिन्हें आप फॉलो करके अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें डायबिटीज़ में अमृत के समान मानी जाती हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला जो घरेलू नुस्खा है वो है आपके हरे पत्ते। आप 5 पत्ते तुलसी, 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते बेलपत्र के ले लीजिए। फिर इसमें 3 काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर मिलाकर इन्हें पीस लीजिए और इनकी चटनी रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेनी है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस चटनी को लेने के बाद, इन पत्तों को खाने के बाद आधा या 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे फूड या दूसरे नुस्खे के बारे में, वो है आपका ग्रीन टी। जी हाँ, जो भी आप नॉर्मल चाय पीते हैं आप उसे पीना छोड़ दीजिए और उसकी जगह ग्रीन टी लेना शुरू कीजिए, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत से पॉलीफेनोल्स और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत अच्छी मात्रा होती है जो आपकी डायबिटीज़ को, आपके ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ये आपके शुगर को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देती। अब बात करते हैं अपने तीसरे फूड के बारे में, तो वो है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। इसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और इसमें विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है यानी भरपूर मात्रा होती है। तो आंवला शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, यानी दूसरी बीमारियों से डायबिटिक पेशेंट की रक्षा करता है। आप रोज सुबह या फिर खाना खाने के 10-15 मिनट बाद ताजे आंवले का 20 से 30 ml रस पी सकते हैं। इसमें 2 ग्राम हल्दी मिलाकर या फिर आप एक नया कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 20 से 30 ml आंवले का रस लीजिए और 20 से 30 ml एलोवेरा का रस लीजिए और इसमें 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर इसको लीजिए। सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के 10-15 मिनट बाद भी ले सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने चौथे फूड के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर खाना चाहिए, वो है सहजन की फली। इसे ड्रमस्टिक या मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है सांभर वगैरह में, और आपने भी खाया होगा। ये जो सहजन की फली होती हैं इनकी सब्जी डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर खानी चाहिए, या फिर जो सहजन के यानी ड्रम स्टिक के जो पत्ते होते हैं उनका 10 या 15 ml रस निकाल कर पीना चाहिए या उनके पत्तों का चूर्ण बनाकर रखना चाहिए और 5 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए रोज सुबह खाली पेट। तो आप इस प्रकार ड्रम स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक विशेष बात याद रखें, आप इन सारे नुस्खों को एक साथ फॉलो ना करें। आप इनमें से कोई 2 या 3 नुस्खे चुन लें और उसको कम से कम 30 से लेकर 90 दिन यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने तक फॉलो करें, फिर 1 महीने के लिए छोड़ दें और फिर 3 महीने तक फॉलो करें। ऐसा आप जीवन भर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने 5वें नुस्खे के बारे में, तो वह है मेथी दाना का पानी।
छठा जो नुस्खा है वो है करेले का जूस, और सातवां जो नुस्खा है वो है आपका जामुन का जूस या फिर जामुन की गुठलियों का चूर्ण। ये लास्ट में तीनों इसलिए बताएं क्योंकि इन तीनों के बारे में लगभग लगभग हर डायबिटिक पेशेंट को पता ही होता है। तो आप ये चार फूड या चार नुस्खे या फिर आप ये कहें कि ये सात फूड अपने डायबिटिक डाइट प्लान में जरूर शामिल करें और घर बैठे अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, अपनी डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।